जो अगर 1000 रुपया हमें दे रहा है और उससे हम मास मजिरा कर रहे हैं, जुआई खेल रहे हैं, 100 में कम से कम 70% साधु भक्षण कर रहा है। अच्छा। तो नाथ जी किसको पूजा करेंगे? तो गोरखनाथ। अच्छा, वो गोरखनाथ वो स्वयं शिव है। तीर्थ में हम मोमेडियन के भी जितना तीर्थ है ना, सिर्फ मक्का मदीना छोड़ के हमने सबके पास स्त्रियाँ रहते थे, लेकिन इनके बावजूद भी ईश्वर से उनका मन मिला हुआ। मुसलमान मुसलमान मुसूल का मतलब तेज, बलि, मान के मतलब ईमान। तो जय श्री राधे दोस्तों। दोस्तों मैं हूँ वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में, आज फिर से हूँ मैं महाराज जी के साथ में। आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा साधु और संत। तो उसमें महाराज जी पूरा जो भी ज्ञान है उसका समावेश करेंगे अपने शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से उसका वर्णन करेंगे कि क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको लगातार साधु संतों के और प्रभु श्री कृष्ण के, गोवर्धन महाराज के और मंदिरों के दर्शन कराता हूँ। तो इसी कड़ी में मेरे साथ महाराज जी हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी भ्रमण किया है और हर धार्मिक स्थल, हिंदू का जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ ये जा चुके हैं, हर तीर्थ स्थल का ज्ञान है। जय श्री राधे महाराज जी। ऐसे तो तीर्थ में हम मोमेडियन के भी जितना तीर्थ है ना, सिर्फ मक्का मदीना छोड़ के हमने सब किया है। अच्छा, मुसलमानों को भी? मुसलमानों का, और मुसलमान का आधा नियम हमको मालूम है। अच्छा, क्योंकि हमने संगत किया है ना जी। हर कोई को प्रेम दिया है और प्रेम से झुक कर उनको संगत किया ताकि उनमें क्या कला है, क्या गुण है, ये मुझे सीखना है। अच्छा। मेरे गुण मेरी कला तो मुझे मालूम है जी, अपने धर्म की। तो अगले के पास क्या है जी? तो मुसलमान 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 मुसूल का मतलब तेज, बलि, मान के मतलब ईमान। जो ईमान का सच्चा होगा वो असली मुसलमान होगा। अच्छा, लेकिन आजकल नहीं होते? नहीं, तो ये हिंदू ही पैदा होते हैं। अच्छा, बाद में इसको लिंग को संस्कार किया जाता है। हाँ, खतरा कर देते हैं। हाँ, तो ऐसे सब हिंदू है, सब सनातन ही। ये जाति आप और हमने बनाया है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा है, मैं बताने वाला था ना आपको जो साधु के बारे में बताऊं जी महाराज, जे साधु कितनी प्रकार के होती है, किस साधु को क्या पहचान है, किस साधु का क्या कर्म बनता है। तो ऐसे 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र है, 12 राशि 9 ग्रह 27 नक्षत्र है। तो 12 राशि के मतलब जे 12 ज्योतिर्लिंग, 9 ग्रह के मतलब जे 9 रतन, 9 रात्रि, 9 महीना कोक में रखते हैं, 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र का मतलब शनि दंड का देवता। तो 27 नक्षत्र का मतलब 7 दिन, 7 दिन में लोग जन्मेगा, 7 दिन में लोग मरेगा जी, सही, चाहे वो सोमवार हो चाहे मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, सही। तो इसी प्रकार से 4 वेद का मतलब, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र, 4 वेद का मतलब 4 दिशाएं, 4 जगह कुंभ का मेला लगता है जी, 4 धाम है जी। और 4 वेद का मतलब 4 प्रकार के साधु, यानी कि 4 संप्रदाय है। चार ही संप्रदाय है। तो ये चार चार कैसे विभक्त हुए? तो 4 संप्रदाय ऐसा है जी, इनमें 1 संप्रदाय ऐसा होता है जिसको सन्यासी बोलते हैं, भगवा कपड़ा पहनेगा जी, और जिसको नागा बाबा बोलते हैं वो साईं स्नान पहली बार करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जी। दूसरा उसमें रामानंदी होते हैं जो श्री राम जी का पूजा करते हैं, सफेद कपड़ा लगाते हैं, दूसरा स्नान वो करते हैं। और एक होते हैं उदासी। तो उदासी कौन है? जो गुरु नानक था ना, तो गुरु नानक विष्णु अवतार था। अच्छा। आज भारत के अंदर में गुरु नानक के नाम से करोड़ों लोग भोजन कर रहे हैं जी, सही है, यानी कि गुरुद्वार कदम कदम पे है। तो इसे विष्णु भगवान के अवतार थे गुरु नानक, तो उसी के घर में श्रीचंद भगवान उसका लड़का पैदा हुआ था जो गोरखनाथ यानी कि शिव का अवतार था। अच्छा। तो उदासी जो रहेगा वो श्रीचंद भगवान का पूजा करेगा, सन्यासी जो नागा बाबा रहेगा वो दत्तात्रेय का पूजा करेगा, सती अनसुईया का पुत्र, और जो बैरागी रहेगा यानी कि सीताराम जो रहेगा वो श्री रामचंद्र यानी कि हनुमान जी का पूजा करेगा। अब 3 संप्रदाय। अब आखिरी संप्रदाय कौन है? तो नाथ जी। तो नाथ कौन? आदित्यनाथ, कुंडल पहना है जी। तो नाथ जी किसको पूजा करेंगे? तो गोरखनाथ। अच्छा, वो गोरखनाथ वो स्वयं शिव है, भैरव को। हाँ। तो ऐसे 4 वेद के मतलब 4 प्रकार के साधु है। तो इसमें सात्विक साधु यानी कि वैष्णव जी, वैष्णव। तो वैष्णव कौन है भाई? तो बैरागी और उदासी। अच्छा, ये परम वैष्णव है, इसको गांजा पीना, दारू पीना, लहसुन प्याज खाना, बीड़ी पीना, ये वर्जित है, कुछ नहीं। अच्छा। तो ये परम वैष्णव है, उदासी जी। और बैरागी यानी कि सीताराम,
सफेद पहनने वाला, राम जी का पूजा करने वाला, उदासी, हाँ उदासी यानी कि लाल कपड़ा पहनने वाला, वो श्रीचंद भगवान को मानने वाला। तो ये दो संप्रदाय जो है ये एकदम शुद्ध वैष्णव। और तामसिक में आ गया कौन, तो नाथ और नागा। नाथ नाथ मीन्स नो, नो नाथ नो गुरु नो रतन नो महीना कोक में रखते हैं। अच्छा। तो नाथ और दशनाम, दशनाम कौन, तो नागा बाबा। तो दस विद्या के आगे कोई विद्या नहीं है। अच्छा। क्योंकि दस इंद्रिया है शरीर में, तो दस महाविद्या है, तो इसलिए दस माथा काट के रावण ने चढ़ा दिया गुरु को, दस सिर काट के, दस सिर काट के। तो ऐसी आज की दुनिया में 100 में कम से कम 70% साधु भक्षण कर रहा है। अच्छा। तो ऐसा इसमें कोई पब्लिक का फर्क नहीं पड़ता, जो अगर 1000 रुपया हमें दे रहा है और उससे हम मांस मदिरा कर रहे हैं, जुआई खेल रहे, तो इससे पब्लिक को कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ईश्वर ने देखा, क्योंकि बनाने वाला दुनिया ईश्वर है, तो ईश्वर ने देखा हो जी इसने तो अच्छा काम के लिए दिया था। जी जी सही बात है। लेकिन इसने गलत किया, तो उनका सजा हमको जल्दी मिलता है क्योंकि कलयुग है ना। अच्छा, तो कलयुग में महाराज जी सजा जल्दी मिलती है? हाँ, तत्काल तत्काल तत्काल। लेकिन मैंने बहुत से महाराज जी ऐसे देखे हैं कि जितने कर उतने ही ज्यादा फलीभूत होते हैं। नहीं नहीं, वो अंदर से दुखी रहते हैं, ऐसे आपको देखने में लगता है। अच्छा। हाँ जी, अंदर से शांत नहीं रहते, शांत नहीं है। कोई कोई होटल देखना ऊपर से बहुत सजाया हुआ है, बिल्कुल, लेकिन उनका भोजन देखो तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा, भोजन बेकार होता है। तो इसी प्रकार से उसको देखने में आपको ऐसा लग रहा है जो फुल ऐश आराम एंजॉय फलना ढकना, लेकिन नहीं नहीं, घर में जाते हैं उनका जैसे ही सीता माई ने लकीर पार किया तो कष्ट में आया, वैसे ही जैसे वो घर में पहुंचते हैं ना तो उसी दुनिया में यानी कि दुख के दुनिया में बंधा जाते हैं। अच्छा, एक बात, क्योंकि इस दुनिया में तत्काल, हाँ तत्काल है, तत्काल है, कोई नहीं बचता इससे, कोई नहीं बचता। और साधु को ज्यादा दंड मिलेगा, साधु को, हाँ जो साधक है, जैसे साधक आप भी हो सकते हो, जैसे आपने मुझे गुरु बना लिया, आप परिवार को भी संभाल रहे हो और डेली के 2 घंटा मेरे पास आते हो, तो क्यों आते हो जी? बाबा में ऐसे कौन सा कला है यार, बैठे बैठे इतना बड़ा मंदिर बना दिया, बैठे बैठे लोगों को बीमारी भगा दिया, ये कला मैं भी सीखूं यार। हाँ सही बात है। तो आपने मेरे साथ मन मिला लिया, गुण लेना, गुण लेना है, गुण मीन्स गुड़ मीठा, मक्खियाँ बैठेंगे कितनी भी भगाओ। तो उसी प्रकार से आपने 2 घंटा डेली मुझे दिया और तन मन से सेवा करते, हमने प्रेम में आपको ज्ञान दे दिया। अब वो ज्ञान को आपने इस्तेमाल किया तो आपके घर में पब्लिक आ रहे हैं, आपके 4 बच्चा है, औरत भी है, फिर भी 4 लोग आ रहे हैं, क्यों? कला है आपके पास, कला है, बिल्कुल सही बात। तो पहले के, पहले के ऋषि, हाँ गुरु ज्ञान है, तो पहले के ऋषि मुनि के पास स्त्रियाँ रहते थे जी। लेकिन इनके बावजूद भी ईश्वर से उनका मन मिला हुआ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो आत्मा का साप था, बिल्कुल स्त्री को माँ, जैसे हमारे बंगाल का रामकृष्ण परमहंस जी जो स्वामी विवेकानंद के गुरु है, उसकी औरत का नाम माँ शारदा है, माँ काली माँ ने उनको गोद में बिठा के दूध पिलाया। तो इसी प्रकार से जो संत है, संत का पहला कर्म क्या बनता है, जे उसकी विचार जो हो उसमें निस्वार्थी हो। अच्छा, निस्वार्थ हो। हाँ, विचार सिर्फ 2 रोटी का स्वार्थ हो, परम त्यागी हो। हाँ, वो हमेशा ही सोचते रहता है, हर इंसान अक्सर देखना, देख रहा है कहीं, बात कर रहा है कहीं, सुन रहा है कहीं, हाँ हाँ कर रहा है कहीं, लेकिन उसके विचार कहीं और रहता है। जी सही बात है। तो ऐसे मेरे जितने भी विचार दिन भर बनते रहे, हर विचार में निस्वार्थी होना चाहिए। वो है साधु। हाँ, स्वार्थी कहाँ होना चाहिए, 2 रोटी की जब जुगाड़ करना पड़े तो उस टाइम में हमको स्वार्थी छुदा लग रही हो पेट में, बाकी काम मतलब मुझे निस्वार्थी। जैसे मैंने कोई चीज़ खरीदने का सोचा, अब वो चीज़ में यार 500 रुपया आता है, अब 500 रुपये का गांजा लाऊंगा तो 1 सप्ताह पी सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे क्या सोचना चाहिए, अरे ले आओ यार, कभी तो किसी के काम आएगा यार, दान का पैसा है, जब तक मैं रहेगा तो मैं तो मजा लूंगा, गाया तो मैं ही पी लूंगा, गाजा तो आ ही जाएगा, लेकिन जब तक मुझे तो जरूरत है 4 दिन के लिए, लेकिन ले लो, रहेगा तो काम आएगा, ये कुर्सी है, बिल्कुल सही, कोई भी चोर भी ले जाएगा तो साला कहीं ना कहीं बैठेगा ही लोग, बिल्कुल सही, तो भगवान तो देख रहा है ना मुझे, बिल्कुल, ये मैंने क्या किया, पैसे से खरीद के लाया 10 पौधे और इतनी कष्ट करके और आपको सौंप दिया, बिल्कुल सही भाई समझ। तो ये है संत। तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी ने हमें संत की परंपरा के बारे में बताया और असली मायने में संत होते हैं उसके बारे में हमें बताया है कि त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं और जनता के लिए और समाज के लिए, कल्याण के लिए जीते हैं और समाज में खुद को बिल्कुल मिटा देते हैं। और जो ऐसा महाराज जी ने भी बोला है कि 70% आज साधु ऐसे हैं कि जो शायद स्वार्थी हो चुके हैं लेकिन आज भी धरती पर ऐसे हैं जो कि साधु की परंपरा को निभा रहे हैं और अनवरत लगे हुए हैं।